जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 योगी मोदी तेरे नाम इस्लामोफोबिया और नरेंद्र मोदी तेरे नाम इस्लामोफोबिया अमित शाह तेरे नाम इस्लामोफोबिया। सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक ओखला के बोले भी तो उनको जेल में डाल दिया गया और उन पर 18 केसेस लगा दिए गए, उनका कैरेक्टर पे और हर चीज पे इल्जाम लगा दिया गया। लेकिन वही बीजेपी का हमेशा का है कि वो झूठे इल्जाम लगा के फंसाना चाहती है, लेकिन वो निकल कर आ गए बाहर क्योंकि वो इल्जाम सारे झूठे। क्या वो कब आसाराम राम रहीम नारायण साईं कपिल मिश्रा और इन तमाम सारे जो हत्यारे दंगाई और बलात्कारी है इनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? जो ये तथाकथित गोटी मीडिया और जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं, ये तमाम गिद्ध की तरह लग जाती है, गिद्ध और बाज की तरह जब कोई ऐसा हिंदू और मुसलमान का मुद्दा आता है। ये लोग अंधे हो जाते हैं जब कोई छात्र आत्महत्या करता है, ये लोग अंधे हो जाते हैं जब कोई परिवार भूख से मरता है, ये मीडिया अंधी हो जाती है जब कोई मजदूर मरता है। तो उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग बंद है? उन जेलों में सबसे ज्यादा दलित पिछड़ा है, आदिवासी है और मट्टी है। दोस्तों हम तुम आप लोगों के भी सवाल है कि क्या इस देश में केवल यही लोग अपनाते हैं कि बुजर चल रहा है? क्या वो कब आसाराम राम रहीम नारायण साईं कपिल मिश्रा और इन तमाम सारे जो हत्यारे दंगाई और बलात्कारी है इनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा? तो दरअसल जो ये स्टेट है और जो सरकार है यह पूरे तरीके से हिंदुत्ववादी रंग है, जो हिंदुत्व का मोटू का मोल और जो ये सपना है आरे से और बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाना है उस राष्ट्र उसको बनाने की तरफ बुलडोजर इनमें सामने साथ दे रहा है। किस प्रकार से तो से करके ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ला रहे हैं, तमाम सारे मुद्दे हैं दोस्तों, वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, लेकिन उन मुद्दों पे आज कोई बात नहीं होने वाली है। बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे है, तमाम सारे छात्र तमाम सारे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगातार हत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, तमाम सारे लोग निराश हताश होकर फांसी लगा रहे हैं, लेकिन वो कोई डिबेट का वो कोई मीडिया का मुद्दा नहीं है। जो ये तथाकथित गोटी मीडिया और जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहते हैं ये तमाम गिद्ध की तरह लग जाती है, गिद्ध और बाज की तरह जब कोई ऐसा हिंदू और मुसलमान का मुद्दा आता है। ये लोग अंधे हो जाते हैं जब कोई छात्र आत्महत्या करता है, ये लोग अंधे हो जाते हैं जब कोई परिवार भूख से मरता है, ये मीडिया अंधी हो जाती है जब कोई मजदूर मरता है। मीडिया के तमाम सारे लोग हैं और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि भाई स्टेट रिप्रेशन हो कैसे रहा है, क्योंकि जो YouTube छोटे छोटे चैनल वाले हैं, अभी MP में आप ही जैसे लोग जो YouTube चैनल वाले थे एक बीजेपी विधायक के खिलाफ न्यूज चला दिए थे, तो बीजेपी विधायक ने क्या किया कि लोकल थाने पे फोन किया और उन 9 पत्रकारों को बुलाया और थाने में बुला के नंगा करवा दिया। तो हमको लगता है कि आप लोगों से ज्यादा और कोई नहीं समझ पा रहा है कि भाई स्टेट रिप्रेशन क्या होता है। एक साथी सवाल पूछ रहे थे तो आप लोग समझ रहे हैं कि स्टेट रिप्रेशन क्या है। हम बलिया में देखते हैं कि किस प्रकार से एक पत्रकार यूपी बोर्ड का पेपर लीक होता है तो उस पेपर लीक की घटना को पेपर में छाप देता है, इसलिए उन 3 पत्रकारों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है और 15 दिन बाद उनको छोड़ा जाता है। क्या सिर्फ दिखाना ही इस देश में अपराध हो गया है? भाई जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तथाकथित, उस पत्रकारों को भी ले जाके तुम थाने में नंगा कर रहे हो और उसके बाद से जेलों में डाल रहे हो। तो दोस्तों जो हमारा PSR का बैनर है या तमाम सारे स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ, चाहे वो माइनॉरिटी पे हो, चाहे दलितों पे हो, चाहे आदिवासियों पे हो, चाहे इस देश के बुद्धिजीवियों पे हो जिनको जेलों में बंद किया गया है, तो हम लोग लगातार इन तमाम सारे हमलों के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे हैं। दोस्तों हम लोग अपने बातचीत के क्रम में CFI से वाजिया को बुलाना चाहते हैं, साथी आए और अपनी बात रखें। वाजिया मैं जामिया मिल्लत इस्लामिक स्टूडेंट हूँ और मैं ये कहना
थोड़ा कि हम लोग सब जानते हैं कि गिरपुरी में जो भी अभी चल रहा है तो उसको लेकर क्या मतलब एक ही मतलब के लोगों को लेकर ज्यादा टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी को लेकर, तो ये चीज हम अभी से नहीं है लोग, हम ये चीज बहुत टाइम से सहते आ रहे हैं, अलग अलग चीज पे अलग अलग नामों पे हमें हमेशा टारगेट किया जाता है। अभी इंक्रोचमेंट के नाम पे इतने ज्यादा परेशान किया जा रहा है मुस्लिम फैमिलीज को, और ये हमेशा से उनके नजर में दलित हो गए, आदिवासी हो गए और मुस्लिम्स हो गए, ये हमेशा से टारगेट रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ इंडिया में रहने का हक सिर्फ ब्राह्मण लोगों को है और मालदार लोगों का है, यहाँ और किसी की जगह नहीं है। जबकि हमारे संविधान में हमें बराबर का अधिकार दिया गया है हर रिलीजन के इंसान को, हर जाति के इंसान को, कि वो बराबर के हक से रह सकता है। तो यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं कि जहांगीरपुरी में पहले रमज़ान में कैसे दंगे कराए जाते हैं, फिर उसके बाद लोगों को उठाया जा रहा है सिर्फ मुस्लिम फैमिली से, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर चार्जशीट फाइल की गई है, और उसके अलावा अब ये कि उन लोगों को घर तोड़े जा रहे हैं उस चीज को लेकर, और कोई बोले तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो जाता है, बोलने पर भी इतनी पाबंदी है कि हम बोल ही नहीं सकते। उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में देख लें, अभी आप कंचनगंज में देख लें, वहाँ पे पूरी 5 मंजिल इमारत गिरा दी गई है, और वहाँ पे सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक ओखला के बोले भी तो उनको जेल में डाल दिया गया और उन पर 18 केसेस लगा दिए गए, उनका कैरेक्टर पे और हर चीज़ पे इल्ज़ाम लगा दिया गया। लेकिन वही बीजेपी का हमेशा का है कि वो झूठे इल्ज़ाम लगा के फंसाना चाहती है, लेकिन वो निकल कर आ गए बाहर क्योंकि वो इल्ज़ाम सारे झूठे थे। तो यही सब चीज़ें जो चलती आ रही हैं, और न्यूज़ इसमें न्यूज़ रिपोर्टर्स जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो हमेशा साथ देते हैं, और इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और गंदे तरीके से बोलते हैं कि उनका तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। उनके सवाल भी ऐसे होते हैं, वो सवाल करते नहीं हैं, वो तो एक तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं, सवाल मीडिया का काम होता है सवाल पूछना, तो सवाल नहीं करते, वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये चीज़ है कि जब तक कोर्ट की तरफ से प्रूफ नहीं होता है तब उससे पहले ही आप खुद निर्दोष इंसान को दोषी बता देते, तो ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, और इसी के खिलाफ PSR आज खड़ा है यहाँ पे, और जब भी PSR के ऐसा कुछ किसी चीज़ के लिए खड़े होगा ऐसे मुद्दे के लिए तो हम उनके साथ हैं हमेशा। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है न्यूज़ चैनल से जितने भी लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप बहुत सपोर्टिव हैं, और आप लोगों को हमेशा ही ऐसे सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब सच का साथ देंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे ना, कुछ टाइम के लिए है, और कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि वो लोग अपने मुंह के बल गिरेंगे जो आसमान में होते हैं, तो उनका उड़ना एक दिन उनको ही नुकसान देगा। तो मैं बस यही कहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 योगी मोदी तेरे नाम इस्लामोफोबिया, और नरेंद्र मोदी तेरे नाम इस्लामोफोबिया, अमित शाह तेरे नाम इस्लामोफोबिया। तो यही है कि देखिए अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब इनकी यात्रा निकल रही थी तो हम लोगों को हमें अपने हिंदू भाइयों बहनों से कितना प्यार है वो हमें इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमारा एकता दिख जाती है। जब मुस्लिम बहुत सारे खड़े हुए थे उनको शरबत पिला रहे थे वो चीज़, और हिंदू भी ईद पर बहुत सारी जगह ऐसा हुआ जो हिंदुओं ने ये काम हमारे साथ किया है हमारे भाइयों ने, तो ये चीज़ सिर्फ कुछ लोग हैं जो RSS BJP का ये इनका हमेशा का एजेंडा रहा है कि ये लोग यही नफरत फैलाते रहते, लेकिन हमेशा हमारा जो हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत है कहीं ना कहीं इनको हरा देता है। बस ये है कि ये लोग ताकत में है तो गलत ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी ये कि हम लोग इनको हरा देते हैं हमेशा से। ईद पे इतना मुसलमान एक साथ निकला होता, आपने कहीं की भी न्यूज़ सुनी हो कि हिंदू मुसलमान ने एक भी जगह जाके ये करा हो वो करा हो किसी हिंदू को परेशान करा हो, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है ना, ये काम सिर्फ RSS BJP का है, तो वो लोग ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे जुल्म के खिलाफ, और हम उनको ऐसे ही जवाब देते रहेंगे, और बस ये मैं ये करता हूँ। CFI इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी है, जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम सबसे पहले आपको।